हेलो सुप्रभात बच्चों, आज मैं ले रही हूँ हिंदी क्लास एलकेजी। विषय है हिंदी। बच्चों यह स्वर आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं ना स्वर। ओके, पहले मैं स्वर पढ़ाती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। ओके, पहला स्वर है अ से अनार, अ से अनार। आ से आम, आ से आम। बच्चों समझ में आ रहा आपको? ई से इमली, ई से इमली। ई से इमारत, ई से आईना। देखो बच्चों, यहाँ ई है ना, ई से शुरुआत होने वाले वो शब्द है इमारत, आईना। यहाँ ई है ना, इलायची। ई से इमली, ई से ईख, ई से ईख, ई से ईद, ई से भाई, ई से ईश्वर। ई से तैयार होने वाले कुछ यहां शब्द है। बच्चों समझ में आया आपको? नेक्स्ट, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। ऊ से उपचार, ऊ से उपचार। देखो बच्चे यहां ऊ से शुरू हो गए ना, ऊ से उपहार, ऊ से उपहार। ऊ से उमंग, ऊ से उमंग। नेक्स्ट, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। ऊ से और शब्द होते हैं, देखो ऊ से ऊपर। देखो बच्चों यहाँ ऊ से तैयार होने वाले कुछ शब्द हैं। ऊ से ऊपर, ऊ से कमाऊ, ऊ से कमाऊ। यहाँ लास्ट में जो ऊ आता है देखो, ऊ, ऊ से उधम, ऊ से उधम। बच्चों आप भी मेरे साथ बोलिए, री से ऋषि, री से ऋषि। ए से एडी, ए से एडी। ए से एक तारा, ए से एक तारा। ए से एहसान, ए से एहसान। ए से एक, ए से एक। ऐसे जो शब्द बनते हैं ना, यहाँ देखो बच्चों आप भी नियमित रूप से स्वर पढ़िए, इसके नीचे जो शब्द है वो भी पढ़िए। ए के बाद जो आता है स्वर आई, आई से आईनक, आई से आईनक, आई से ऐसा, आई से एक्टर, आई से एप। नेक्स्ट स्वर, ओ से ओखली, ओ से ओखली। ओ से ओस, ओ से ओस, ओ से जाओ। ये देखो बच्चों लास्ट में ओ आया है ना, ओ से जाओ। ओ से ओढ़ना, ओ से ओढ़ना। ओ के बाद औ आता है, औ से औरत, औ से औरत। औ से जो शब्द बनते हैं देखो नीचे, यहां औ से और, औ से औषध, औ से औषध, औ से औलाद। ओके, औ के बाद अम, अम से
अंगूर। बच्चों आपको अंगूर पसंद है ना। अम से अंगूर, अम से अंडा, अम से अंडा, अम से अंधा, अम से अंगार। और यहां देखो बच्चों, अहा लास्ट में जो आता है वो अहा। ये थे सुर बच्चों। आप भी नियमित रूप से अ से लेके अहा तक स्वर पढ़िए। स्वर यहाँ है, कुछ चित्र है, चित्र भी पढ़िए और इसके नीचे जो शब्द दिए थे ना, इसका ये भी नियमित रूप से पढ़िए। जैसे कि अ से अनार, अ से अमर, अ से अजगर, अ से अनाज, इस तरह से नियमित रूप से पढ़िए। ओके, ये थे आपके स्वरों की पढ़ाई। आज हम देखेंगे बच्चों, कल हमने देखा था ऊ से ऊन स्वर देखा था, आज हम देखेंगे नया स्वर री से ऋषि, री से ऋषि। बच्चों देखो री, री कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों री से ऋषि। ऋषि निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, देखो पहले इस तरह से तिरछी लकीर, खड़ा लकीर, तिरछी लकीर और एक तिरछी लकीर। ओके, आपको इसी तरह से लिखना है रे से ऋषि, रे से ऋषि। यहां कुछ डॉट्स दिए हैं, डॉट्स में से भी यहां ऐसे निकालना है रे से ऋषि, री से ऋषि। री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि। री से ऋषि, आप भी इसी तरह से अपनी किताब में, हिंदी किताब में ए री से ऋषि पूरा कीजिए। री से ऋषि, 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 बच्चों पहले सीधी लकीर, तिरछी लकीर और एक तिरछी लकीर और इस तरह से करना है री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि। री से ऋषि, री से ऋषि, देखो बच्चों आप भी इसी तरह से अपने बुक में री से ऋषि पूरा लिखिए। ओके, ये था टेक्स्ट बुक के किताब, किताब का वर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, टेस्ट नोटबुक वर्क। नेक्स्ट आज का आपका होमवर्क नोटबुक वर्क। ओके, आज का होमवर्क आपका किताब में से टेक्स्ट बुक में रिसर्च से एक पेज है और नोटबुक में दो पेज ऋषि ऋषि, एक पेज में यहाँ एक और यहाँ एक और पिछले पेज में अ से लेके ऋषि ऋषि तक लिखना है आपको। ओके, देखो बच्चों नोटबुक पर फर्स्ट ये थ्री लाइन नोटबुक है आपका, ये थ्री लाइन नोटबुक है ना, इसमें इस तरह सीधा लकीर, तिरकी लकीर और एक तिरकी लकीर और इस तरह से री से ऋषि लिखना है। री से ऋषि, 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 री से ऋषि। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? री से ऋषि। री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, देखो बच्चों इस तरह से पहले पेज में आपको इसी तरह से लिखना है री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि। नेक्स्ट पेज सेम कॉपी हियर, री से ऋषि, 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 देखो बच्चों इस तरह से आपको भी दो पेज री से ऋषि लिखना है। री से ऋषि, ओके। नेक्स्ट पेज तीसरा होमवर्क है स्वर अ से री तक स्वर लिखना है। देखो बच्चों कैसे लिख रहे हैं आपको, पहला अक्षर स्वर में से कौन सा आता है, अ से अनार, नेक्स्ट आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि। ओके, एक लाइन आपको छोड़ना होगा बच्चों यहां यहां, और एक बार अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, और एक लाइन छोड़ना होगा आपको,
अ से बच्चों ये नियमित रूप से अभी अ से लेके री तक लिखिए। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि। बच्चों आज का आपका होमवर्क है पहले टेक्स्ट बुक वर्क नियमित रूप से अ से अहा तक स्वर पढ़िए, अ से अहा तक स्वर पढ़िए। और आज का होमवर्क है री से ऋषि से ले यहाँ इस तक यहाँ तक आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है। नोटबुक वर्क क्या है बच्चों आपका आज का आपका नोटबुक वर्क दो पेज है। ए दो पेज में री से ऋषि लिखना है और एक पेज में अ से लेकर री ऋषि तक स्वर लिखना है। जैसे कि देखो ये दो लाइन में अ आ ई ई उ रु लिखा है, एक लाइन छोड़ा है मैंने। इसी तरह से अपने थ्री लाइन नोटबुक में आपको भी ये होमवर्क करना है नियमित रूप से। ओके बच्चों समझ में आया आपको। आज का क्लास खत्म हो गया। थैंक यू।